कोरल ड्रॉ जो वेक्टर ग्राफिक्स का एडिटर है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। पेन ड्राइव में हमारे पास एक सेटअप होना जरूरी है, कोरल ड्रॉ एक्स फोर ये नाम से। ये कोरल ड्रॉ एक्स फोर में जाएंगे और हमारे पास ये सेटअप की फाइल है, तो इस पर राइट क्लिक करके देखना होगा, राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज। तो वहां पर exe.exe जो लिखकर आता है तो उसका मतलब है एग्जीक्यूटेबल, जो उसकी फाइल की टाइप होंगी एक्सटेंशन, यानी एक्सटेंशन एग्जीक्यूटेबल। तो यही फाइल रन हो सकती है, बाकी फाइल्स रन नहीं हो सकती। तो इसको हम डबल क्लिक कर देंगे इंस्टॉल करने के लिए। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर ये इंस्टॉलिंग लिखकर आएगा, ये पूरा स्टेप्स कंप्लीट होने देना है। अब अगर हम इसको परचेस करते हैं तो हमारे पास सीरियल की वगैरह आती है, और ये इंस्टॉल होने से पहले कंप्यूटर पूछेगा कि इसको इंस्टॉल करना है या नहीं। तो ऊपर जो येल्लो मार्क में लिखकर आ रहा है तो वहां पर क्लिक करके अलाउ ब्लॉक्ड कंटेंट पे क्लिक कर देना है और यस करेंगे। अब उसके बाद आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको नेक्स्ट कर देना है। अब सीरियल नंबर अगर है तो सीरियल नंबर डालना है, नहीं तो 30 दिन का ट्रायल देता है। तो यहाँ पर हम सीरियल नंबर हमारे पास जो है तो वो सीरियल नंबर यहाँ से डाल लेंगे, कॉपी कर लेंगे यहाँ पर से और उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट उसको कर देंगे। अब इसको इंस्टॉल नाउ कर देना है। इंस्टॉल नाउ करने के बाद ये सारी प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट होंगी 100% तक। 100% तक ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अलाउ का और एक बार ऑप्शन आ सकता है। तो फर्स्ट अगर ये कहीं कोई पीसी पर अगर एक्सपायर हो जाता है अगर, तो उसको फॉर्मेट मारे बगैर हम उसको फ्री में यूज़ नहीं कर सकते। तो न्यूली इंस्टॉल जो प्रोग्राम होगा ये इसको पहले ब्राउज हो जाने देना है। और क्रैक वर्जन में अक्सर जो है तो यहाँ पर इंटरनेट अगर चालू रहता है तो उसको ब्लॉक कर देगा वो चालू होते साथ ही, अगर आपने सीरियल नंबर डाला भी है तो। वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि उसको कैसे सेटिंग करेंगे उसकी, के जिसकी वजह से वो इंटरनेट की मदद से चालू होने के बावजूद कैसे चल पाएगा। इससे हम विजिटिंग कार्ड्स, पैम्फलेट्स और न्यूज़पेपर के डिज़ाइंस, मैगजीन्स के डिज़ाइंस ये सब बना सकते हैं, पोस्टर, बैनर्स और व्हाट्सएप के लिए सोशल मीडिया के पोस्ट, एडवर्टाइजमेंट्स। अगर ये हम खुद बनाकर ले जाते हैं विजिटिंग कार्ड या बैनर का साइज, तो 200 रुपये की वैल्यू होती है इसकी, तो वो कम हो जाते हैं अगर हमारा खुद का अगर डिज़ाइन बना हुआ होता है। ओपन फाइल में .cdr उसका एक्सटेंशन होगा कोरल ड्रॉ का, यानी कोरल ड्रॉ की फाइल। तो ये 100% जब हो जाएगा प्रोसेस कंप्लीट, ये इसको इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर फिनिश कर देना है। फिनिश कर देने के बाद हमारे पास कुछ ये फाइल्स है जिससे वो क्रैक हो जाएगा, उसको कॉपी करेंगे हम। सी में जाने के बाद प्रोग्राम फाइल्स के कोरल में आना है और वहाँ पर से हम उसके प्रोग्राम्स में ये तीन फाइल को पेस्ट करने के बाद कॉपी एंड रिप्लेस कर देंगे। और ये डू इट फॉर अनदर कर दिए तो बार बार नहीं पूछेगा। इस तरह से कोरल ड्रॉ तो इंस्टॉल हो गया क्रैक वर्जन में, लेकिन अब इसको अगर इंटरनेट से अगर प्रोसेस हटाना है हमें कि ब्लॉक से निकालना है, तो हमें स्टार्ट में आना होगा और वहाँ से हम कंट्रोल पैनल में आएंगे। कंट्रोल पैनल से यहाँ पर जो प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर जाना है, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। यहाँ से ऑन और ऑफ के फीचर दिखाई देंगे हमको। यहाँ पर ये कोरल ड्रॉ तो इंस्टॉल हो गया। दूसरा ये डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स का ऑप्शन है,